Hey guys, hello everyone, my name is Mayur and you're watching Test Problems. और guys, मैं वीडियो की शुरुआत अभी की है. मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में मैं इतना घर में थी. तब तक आप सिनेमैटिक एंजॉय कीजिए, मैं वहाँ पर पहुँच के फिर आपको बताता हूँ. इसमें आप ब्रेकिंग भी कर सकते हैं और आप ड्रिलिंग भी कर सकते हैं. इसमें 70% आपका ड्रिलिंग रहेगा, ब्रेकिंग कर सकते हैं. एक सीट LCH करके आता था और सीट LCH LCH में डिजिटल लेजर गन वो डिस्ट्रक्ट में हो गया. फिर हमने नया नया मॉडल लॉन्च किया है. ये अभी डायगेंडर हमने नया लॉन्च किया है. इसके एक वेरिएबल स्पीड में, इसमें दूसरा भी एक हमारा सिंगल स्पीड में है GP2H2 करके, लेकिन ये वेरिएबल स्पीड में ये नया लॉन्च किया है. इसका आप 7000 से लेके 29000 तक RPM है, 760 वाट का है और ये भी ड्यूटी है. ये अपना कॉर्डलेस ड्रिल ड्राइवर है, एक DS18DAW और दूसरा DV18DAW. 18 वोल्ट का बैटरी, 18 वोल्ट का बैटरी है और इसमें स्लाइड बैटरी आता है. पहले आता था वो पुश वाला था. पुश में क्या होता है कि ऐसा वर्टिकल पे रख के लूज होके कनेक्शन में लूज पड़ता था. ये अपना 0289 ये 0.3 मीटर पर मिनट है और इसमें वेरिएबल स्पीड है. जितना आपको हवा चाहिए, क्योंकि नॉर्मली आप समझो कंप्यूटर वगैरह भी आपको साफ करना रहेगा तो आप कम स्पीड में लेके आपका वो भी काम कर सकते हो. जो कॉपी करते हैं तो आपके पास वैसे ही और कोई सर नहीं, स्पेशल SS के लिए काम है. पूरे टूल्स अलग टाइप के टूल्स हैं आपके रेगुलर, आपको कोई भी हमारे जो कॉम्पिटिटर है उन पर आपको मिलेगी. Everybody.
अटैक मुझे करो। आईडिया पर मेंशन कर दिया था, थोड़ा बैकग्राउंड का इशू था, इस वजह से मैं आपको वहाँ पर समझा नहीं पाया। सो फाइनली गाइस हम जाके आ गए इवेंट में, और इवेंट में इतना कुछ था नहीं, बट जो कुछ कुछ प्रोडक्ट्स वहाँ पर नए लॉन्च हुए, यहाँ पर तीन कुछ अलग अलग ब्रांड्स आई थी, तो उसके अंदर एक तो सबसे पहली जो थी, सबसे मेन जिसका लॉन्च इवेंट था वो था हिटमैन, हिटाची की एक नई ब्रांड आप बोल सकते हो, अभी हिटमैन आ चुकी है, और मेटा वॉल्ड एक और ब्रांड थी, और दूसरी हिटाची नीको की। सो उसके सारे प्रोडक्ट्स मैंने देखे, इनके बैटरी वाले प्रोडक्ट्स भी देखे थे जो वायरलेस आते हैं, काफ़ी कुछ स्टेज पर भी बताए थे, खास करके हिटमैन के बारे में बता रहे थे क्योंकि हिटमैन का खास लॉन्च इवेंट था। तो हिटमैन के अंदर क्या नए नए अपग्रेड फीचर्स आए तो वो सब बता रहे थे, और किस तरह से वो आर्मिक्चर्स और कॉइल जो मोटर तैयार किया है वो किस तरह से, उसके अंदर क्या एडवांस फीचर्स था, सो वो सब हम बताए। अभी जो नए तरीके से जो चीज़ें बना रहे, सो वही सब हमें इस लॉन्च इवेंट में देखने मिला था, और कई सारे मैंने ड्रिल मशीनें देखी या अपना हैमर मशीन देखी। सो हिटाची की मैंने हैमर मशीन भी देखी जो कि कोडलेस थी, वायरलेस, सो वो भी देखी, और कई सारे मतलब बोल्ट टाइट करने के लिए मशीन्स भी थी वहाँ पर, अलग अलग हैवी से हैवी, सो बहुत कुछ था वैसे। और मेरे को ये भी बताया था हिटमैन के अंदर 120 तरह के प्रोडक्ट्स है उसके अंदर, और अभी पूरे के पूरे बताया नहीं है हिटमैन के अंदर। सो अब धीरे धीरे न्यू प्रोडक्ट है गाइस, धीरे धीरे थोड़ा टाइम लगेगा, बट देखते हैं अभी कब मेरे हाथ में आएगा हिटमैन जैसा ब्रांड, सो उसका भी हम अनबॉक्सिंग ज़रूर लाने वाले हैं, सो थोड़ा टाइम लगेगा। कुछ गिफ्ट्स वगैरह दिए थे, सो मैं आपको गिफ्ट्स भी बताता हूँ कि क्या उनकी तरफ से रिटर्न गिफ्ट्स थे, सो वो सब भी था, और साथ में कैप भी थी। ये जो कैप है, ये कैप दिए थे हिटमैन के, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको किस तरह से दिखती है कैप, ये तो वो हिटमैन के ब्रांड नेम से कैप थी। फिर यहाँ पर ये हाइको किंग की तरफ से ये कैरी बैग दिया था, इसके अंदर कुछ बैंगल्स वगैरह और वॉच वगैरह भी दी है, सो ये सब था। ये देखो ये हिटमैन भी, तो कुछ इस तरीके से आपको ये सब दिए थे। मैं और आपको ब्लॉग कैसा बताया, मेरे को मालूम है कि थोड़ा सा मैंने छोटा ब्लॉग शूट किया है, एक्चुअल में लेट हो गया था क्योंकि 7 o'clock का टाइम था, और मैं यहाँ पर घर से ही 8:30 को ऐसे कुछ निकले थे, तो उसमें लेट हो, जो भी था शूट हुआ वो इम्पोर्टेंट था। जाते जाते वीडियो को कर दो लाइक, और चैनल पे नए तो चैनल को तो सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके उस पहले आ सके, और मैं ऐसे आपके लिए ब्लॉग्स लाने की गाइस कोशिश कर रहा हूँ, बस स्टे ट्यून, ऐसे ही रहना मेरे साथ। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।